तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, फाइनली आज हमारे पास आ चुकी है सुजुकी के बर्गमैन स्ट्रीट राइड कनेक्शन एडिशन का E20 मॉडल। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे तो इसके सीट को जैसे ही आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो E20 की बैचिंग देखने को मिल जाती है। तो अब ये जो बाइक है ना, फ्लेक्सुअल टेक्नोलॉजी के साथ आ चुकी है। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इसमें आपको क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या एफिकेशन मिलते हैं, क्या इसकी प्राइस देखने को मिल जाती है। तो आज हम जानेंगे कि बर्गमैन स्ट्रीट में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या एफिकेशन मिलते हैं, क्या इसकी लेटेस्ट प्राइस देखने को मिल जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बीइंग टेक। दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे, मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज अपने तरफ एक लाइक जरूर दीजिएगा। और चैनल पे आप नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बगल में पड़े बेलकन दबाइएगा, जिससे कि आप आगे वीडियो को मिस न कर सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके लुक्स वाइज, तो यहाँ पे देखिए लुक्स वाइज में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता, वही सेम आपको मस्कुलर लुक देखने को मिल रही है। ये इसका व्हाइट कलर है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट कलर में इसकी बॉडी मिलती है। फ्रंट में आप देखते हैं यहाँ पे आपको ब्लैक कलर मिलता है, यहाँ पे आपको व्हाइट कलर मिलती है, जो कि काफी मस्कुलर लगता है देखने में, जो कि इसके लुक को और ज्यादा इनहेंस करती है। और अगर हम बात करते हैं फ्रंट से, तो यहाँ पे देखिए इसका जो फ्रंट में आप देख सकते हैं वाइजर देखने मिल जाता है काफी बड़ा सा, जो कि काफी प्यारा लगता है देखने में। तो दोस्तों, इसका जो फ्रंट से लुक है ना, काफी मतलब बाइक की तरह लगता है देखने में, काफी ह्यूज लगता है देखने में। और यहाँ भी देखिए जो ब्लैक कलर की जो बॉडी मिलती है ना दोनों साइड में, ये इसके लुक को और ज्यादा इनहेंस करती है। और यहाँ भी देखिए सुजुकी का 3D एम्बर लोगो मिल जाता है। इसका जो हेडलैम्प मिलेगा ना, आपको LED हेडलैम्प देखने मिल जाती है, जो कि काफी प्यारी लगती है। और यहाँ पे देखेंगे तो इसमें आपको DRL भी देखने को मिल रहे हैं। और साइड इंडिकेटर जो मिलता है वो आपको बॉडी के अंदर इनबिल्ट मिलता है, जो कि काफी अच्छी लगती है देखने में। तो दोस्तों, इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है ना, आपको काफी मस्कुलर देखने को मिलने वाली है। तो हम लोग बताना कि इसका जो फ्रंट से लुक है ना आप लोग कैसी लगती है देखने में। और अगर हम बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो इसका जो एक्सोन प्राइस निकल के आता है उसकी बात करते हैं। तो आपको बता दें कि इसकी जो प्राइस है ना पहले से बढ़ चुकी है। तो इसका जो एक्सोन प्राइस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 97,434 रुपीज एक्सोन UP वाराणसी की प्राइस। और अगर हम बात करते हैं इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, 1,19,000 से 1,20,000 के बीच में आपको ये स्कूटर देखने को मिल जाएगी बर्गमैन स्ट्रीट। तो दोस्तों, ये तो इसके प्राइस की बात। अब थोड़ी सी बात करते हैं फीचर स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसका जो फ्रंट सस्पेंशन मिलता है ना, वो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए फ्रंट फेंडर पे आप देखते हैं रिफ्लेक्टर मिल जाती है। इसका जो फ्रंट ब्रेक मिलेगा वो आपको मिलता है डिस्क ब्रेक का सपोर्ट मिल जाता है। फ्रंट टायर जो मिलेगा वो मिलता है 90/90 का, 12 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने मिलती है अलावेल के साथ। तो दोस्तों, इसका जो फ्रंट सेक्शन है ना वही सेम देखने मिलती है। और यहाँ पे देखिए इसका जो साइड से लुक है ना कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो इसका जो साइड प्रोफाइल है ना वो भी आपको काफी मस्कुलर देखने को मिलती है। तो आप लोग बताना कि साइड से इसका जो लुक है ना बर्गमैन स्ट्रीट का, आप लोगों को कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर हम आते हैं इसके हैंडल बार पे, तो यहाँ पे देखिए इसका जो हैंडल बार मिलता है ना बाकी स्कूटर की तरह आपको देखने को नहीं मिलता है, थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है, अलग डिजाइन में मिलती है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा यूनिक के कहते हैं हैंडल बार चाहते हैं तो आप लोग इस स्कूटर के साथ जा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सुजुकी का 3D एम्बर लोगो मिल जाता है। लेफ्ट हैंडल बार पे देखिए पासिंग स्विच, साइड इंडिकेशन, हॉर्न स्विच देखने को मिल रही है। राइट हैंडल बार पे देखिए इंजन ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है, जो कि आपको साइलेंट स्टार फीचर्स के साथ देखने को मिलती है। और अगर हम आते हैं मीटर कंसोल पे, तो दोस्तों इसका जो मीटर कंसोल है ना बिल्कुल जिक्सर SF वाला देखने को मिलता है, जो कि आपको स्मार्टफोन कनेक्शन सिस्टम के साथ आती है। लेकिन इसमें आपको गियर इंडिकेटर नहीं मिलता है, क्योंकि स्कूटर है, बाकी जो फीचर्स है ना इसमें आपको वही सेम देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, जो मीटर कंसोल है ना अभी इग्निशन ऑन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो बैटरी कनेक्शन अभी नहीं हुआ है, तो मीटर कंसोल आपको ऑन करके देखा नहीं सकते हैं। लेकिन इसका जो मीटर कंसोल है वही सेम मिलता है, इसमें आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलती। और यहाँ पे देखिए इसका जो फ्रंट बॉडी मिलता है ना वो आप देख सकते हैं ब्राउन एंड व्हाइट कलर मिलती है। हैंडल बार जो कि काफी अच्छी लगती है देखने में। और यहाँ पे देखिए फ्रंट में आपको जो फ्रंट बॉडी मिलती है ना आपको ब्राउन कलर मिलती है। और यहाँ पे देखिए इसमें फ्रंट में आपको थोड़ा सा ग्लव बॉक्स देखने मिल जाता है, जिसमें आप लोग थोड़ा बहुत सामान कैरी कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर आपको USB पोर्ट चार्जर भी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, ये वाटर प्रूफ है, जो कि काफी अच्छा। और यहाँ पे देखिए इसमें को वाटर बोतल रखने के लिए जगह मिल जाती है, जो कि काफी अच्छा। और यहाँ पे देखिए इग्निशन ऑन करने की जगह देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, आपको इग्निशन ऑन करना है या फिर सीट को ओपन करना है, आप लोग यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रंट में आप देखेंगे तो आपको कैरियर हुक मिल जाता है, जिसमें आप लोग लगेज कैरी कर सकते हैं, जिसमें आप लोग लगेज कैरी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इसका जो लेग स्पेस मिलता है ना वो भी आपको काफी अच्छी देखने मिलती है। तो अगर आप लोग की हाइट जो है ना 6 फीट भी है, तो आप लोग इसे आराम से राइड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको जो लेग स्पेस मिलता है ना थोड़ा सा आपको कर्व मिलने की वजह से इसमें आपको लेग स्पेस काफी अच्छी मिलती है। और यहाँ पे देखिए इधर भी आपको कैरियर मिल जाता है, जिसमें आप लोग लगेज कैरी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सीट के बारे में, तो इसका जो सीट मिलता है ना आपको डुअल टोन में सीट मिलती है, ब्राउन एंड ब्लैक कलर में, जो कि काफी अच्छी बात है। और यहाँ पे देखेंगे तो इसकी जो सीट की क्वालिटी है, इसकी जो लेदर क्वालिटी है ना काफी बेहतरीन देखने मिलती है। तो अगर आप लोग इसे लॉन्ग राइड भी करते हैं तो कंफर्टेबली राइड कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो लेदर क्वालिटी है ना वो आपको काफी अच्छी मिलती है। और अगर हम बात करते हैं सीट के अंदर, तो यहाँ पे देखिए इसमें आपको जो स्पेस मिलता है ना, सीट स्टोरेज जो मिलते हैं वो भी आपको काफी अच्छी मिलती है। और यहाँ पे देखिए इसका जो फ्यूल टैंक का कैप मिलता है ना वो आपको इंटरनल मिलता है, एक्सटर्नल नहीं मिलती है। और यहाँ पे देखिए इसका जो पिनियन गैबियन मिलता है ना आपको ब्लैक कलर मिलती है, जो कि काफी अच्छी लगती है। और यहाँ पे देखेंगे साइड में देखते हैं बर्गमैन का आपको 3D एम्बर लोगो मिल जाता है, नीचे आपको स्ट्रीट लिखा मिल जाता है, राइड कनेक्शन एडिशन देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये स्मार्टफोन कनेक्शन सिस्टम वाला मॉडल है। तो यहाँ पे आपको राइड कनेक्ट एडिशन की बैचिंग देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं इसके इंजन के बारे में, उससे पहले यहाँ पे देखिए इसका जो साइड बॉडी मिलते हैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट कलर मिलती है, जो कि काफी अच्छी लगती है देखने में। और अगर हम बात करते हैं इसके इंजन कैपेसिटी के बारे में, तो इसमें आपको जो इंजन मिलेगा
का वॉक मिलता है 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6 फेज 2 इंजन देखने को मिल जाता है। इसका जो मैक्स पावर मिलेगा वॉक मिलता है 8.7 PS का 6750 RPM। इसका जो मैक्स टॉर्क मिलेगा वॉक मिलता है 10.0 न्यूटन का 5500 RPM पे। इसमें आपको स्टार्टिंग के लिए किक और सेल्फ दोनों सुविधा मिलती है। और यहाँ पे देखिए इसका जो रियर ब्रेक मिलता है ना वो ड्रम ब्रेक का सपोर्ट मिल जाता है। रियर में आपको मिलता है स्विंग आर्म का सपोर्ट मिल जाता है। रियर जो टायर मिलेगा वॉक मिलता है 90/100 का 10 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने मिलती है अलावेल के साथ। तो दोस्तों ये तो इसके रियर सेक्शन की बात। और अगर हम बात करते हैं इसके रियर टेल लाइट के बारे में तो यहाँ पे देखिए इसका जो रियर टेल लाइट मिलती है ना वो आपको LED टेल लाइट मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए क्रोम की फिनिश मिल जाती है। नीचे आपको DRM मिल जाते हैं जो कि काफी प्यारी लगती है देखने में। और यहाँ पे सुजुकी की बैचिंग देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इसका जो रियर प्रोफाइल है ना आपको कुछ ऐसा देखने मिलता है जो कि आपको काफी मसल और काफी हैवी लगता है देखने में। और अगर हम बात करते हैं इसके दूसरे साइड से तो यहाँ पे देखिए इस साइड पैनल पर देखते हैं बर्गमैन की बैचिंग मिल जाती है, स्ट्रीट की बैचिंग मिल जाती है, यहाँ पे आपको राइट कनेक्शन एडिशन की बैचिंग मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए SAP लिखा मिल जाता है यानी कि सुजुकी इको परफॉर्मेंस वाला टेक्नोलॉजी मिल जाती है जो कि आपको हायाबुसा में भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखिए इसका जो एग्जॉस्ट मिलता है ना काफी मसल और काफी हैवी देखने को मिलती है जो कि आपको ब्लैक कलर मिलती है लेकिन मैट एंड ग्लॉस फिनिश के साथ मिलती है जो कि काफी प्यारी लगती है देखने में। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के फीचर स्पेसिफिकेशन की बात। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके डायमेंशन के बारे में कि इसमें कोई डायमेंशन चेंज मिलता है या फिर नहीं मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके लेंथ के बारे में तो इसका जो लेंथ निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 1880 mm का। इसका जो हाइट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 1140 mm का। इसका जो व्हीलबेस वॉक मिलता है 1265 mm का। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस वॉक मिलता है 160 mm का। इसका जो सीट हाइट वॉक मिलती है 780 mm का। कर्वेट जो है वॉक मिलता है 110 kg की। फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो मिलती है वॉक मिलती है 5.5 लीटर की। तो दोस्तों ये तो बाइक के डायमेंशन की बात। तो आप लोग बताना कि सुजुकी का बर्गमैन स्ट्रीट जो है ना आप लोगों को कैसी लगती है देखने में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो ये स्कूटर काफी यूज काफी बड़ी लगती है देखने में। आप लोग को ये कैसा लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में कुछ नए बाइक के साथ कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, मुस्कुराते रहे, अपने हेल्थ के ध्यान करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।